आपको अपने पालतू जानवरों की सुंदरता को निखारने के लिए शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये सब डॉग केयर क्लिनिक एंड नर्सिंग होम में संभव है। सुंदरता पर आप सबका हक है, ये बात इंसानों तक ही सीमित नहीं रह गई है। अब लोग अपने पालतू जानवरों की सुंदरता और निखार पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। आज स्मार्ट डॉग और चार्मिंग बिल्ली का जमाना आ गया है। खुद की सुंदरता के साथ ही अपने पालतू जानवरों की सुंदरता पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कुत्ते और बिल्लियों के लिए भी ब्यूटी सैलून खुल चुके हैं। कुत्तों की हेयर कटिंग में भी वैरायटी आ गई है। आपको पसंद करना है कि आपका डॉग किस हेयर स्टाइल में गजब का दिखेगा। स्टाइलिश हेयर कटिंग के बाद आपके प्यारे डॉगी की नस्ल भी लोग पहचान नहीं पाएंगे। स्मार्ट घर स्मार्ट बेबी के साथ अब स्मार्ट डॉगी भी जरूरी है। आशियाना फेस 2 रामगंगा बिहार में ढाब वाले मंदिर के निकट माँ पार्वती डॉग कैट क्लिनिक एंड नर्सिंग होम में डॉग और कैट की सभी बीमारियों के साथ ही जटिल ऑपरेशन भी किए जाते हैं। साथ में सैलून की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ स्टाइलिश हेयर कटिंग, हेयर कलरिंग, नेल कटिंग या कहें कि आपके प्यारे डॉगी और पूसी कैट के स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी सुंदरता को बढ़ाने का काम भी किया जाता है। सर, मेरा बेसिकली नाम डॉक्टर योगेश कुमार है और मैं लोकल का ही हूँ, मुरादाबाद से। और हमारा जो हॉस्पिटल है ये माँ पार्वती डॉग क्लिनिक, ये आशियाना फेस 2 में MDA कॉलोनी से ढाबवाले मंदिर के पास है। और हमारे क्लिनिक पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटियाँ हैं, जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड अभी तो नहीं है लेकिन आने वाले समय में वो भी हो जाएगा, ब्लड टेस्ट यहीं पे हो जाता है, एक्सरे हो जाता है। और ऐसी सुविधाएं हैं, हमारा पार्लर रूम अलग है अपना खुद का, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटियां हैं यहाँ पे हमारे यहाँ। और जिसमें कि छोटे किटन्स आते हैं, कैट्स के, डॉग्स के भी आते हैं। तो बेसिकली क्या रहता है कि बहुत से लोगों को ये नॉलेज भी नहीं हो पाती है कि हम अपने किटन को या पपीज़ को कैसे रखें, तो ये बहुत दुविधा रहती है क्लाइंट के मन में भी कि अगर हम न्यू पपी को ला रहे हैं तो कितने दिन का लाएं और कितनी एज होनी चाहिए, ये थोड़ा सा दुविधापूर्ण रहता है। तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो भी अगर कोई पपी या किटन है तो कम से कम जो विनिंग पीरियड रहता है या मदर से बिछड़ने का जो समय रहता है, मिनिमम आपका 35 दिन तो कम से कम होना चाहिए। अगर 50 दिन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो ताकि उसकी बॉडी इम्यूनिटी थोड़ी सी मिल जाती है उसको। उसके बाद जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहता है कि वैक्सीनेशन शेड्यूल बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पपी या किटन कोई भी है तो जो सबसे पहले जो पपी की बात करें तो उसको 28 या 30 दिन के बीच में ही एक पपी DP का वैक्सीन रहता है, जो कि केवल 2 बीमारी को होल्ड करता है, जो कि बहुत ही गंभीर बीमारियाँ हैं वायरस, एक कैनाइन डिस्टेम्पर हो गया, एक पार्वो हो गया। ये दोनों बीमारियों का टीका पपीज को शुरू में ही लग जाता है 25 दिन और 30 दिन के बीच में। उसके बाद अगर आपके घर पपी आ गया तो जो वैक्सीनेशन जो शेड्यूल बनता है उसका 25 और 30 दिन के बीच में, जो अगर आप पपी DP लगवाते हैं उसके 15 दिन बाद यानी कि 45 दिन पे आपका जैसे 9-in-1 हो गया, 11-in-1 हो गया या 7-in-1 भी के नाम से भी वैक्सीन आती है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी जो स्टैंडर्ड है वो 11-in-1 का वैक्सीन है, तो वो आप लगवाइए कम से कम 45 दिन पे। मिनिमम जो डेज हैं वैक्सीनेशन का वो 45 दिन, तो 45 दिन पे फर्स्ट वैक्सीन आपके पपीज को लग जाएगी। उसके बाद 1 महीने के अंतर से दूसरी वैक्सीन बूस्टर, फिर एक महीने के गैप से तीसरी वैक्सीन का बूस्टर, तो कम से कम मिनिमम 3 वैक्सीनेशन पपीज को हो जाने चाहिए 3 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद जो वैक्सीनेशन आता है 90 दिन पे एक रेबीज लगता है सर, और रेबीज लगने के बाद 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद रेबीज का बूस्टर लगता है। ये 5 वैक्सीनेशन का शेड्यूल है सर। इसके बाद आपका जो पपी है उसको वायरल जो बीमारी है उसको नामुमकिन के बराबर होती भी है
तो उसके अंदर उतनी एंटीबॉडी बन जाती है कि वो रिकवरी कर जाती है। अगर वो चीज़ अगर शुरुआत में नहीं हो पाती है तो दिक्कत खड़ी हो जाती है, और उसमें आप अगर पार्वो हो गया तो आप समझ लीजिए कि 90% आपका एनिमल खतरे में ही जाता है, और उसमें कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं आती है ताकि हम उसको लगा दें वो ठीक हो जाए। और उसका जो वायरल का जो टाइम पीरियड रहता है 8 से 10 दिन तक का वो टाइम पीरियड रहता है पार्वो का। अगर वो समय अगर एनिमल का खिंच जाता है तो शायद वो बच जाए, अदरवाइज़ वो तो जाना है। तो सबसे अच्छा तरीका वही है कि वैक्सीनेशन। दूसरे नंबर पे आता है कि उसका जो वैक्सीनेशन के साथ साथ डीवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी पपी आया है आपके घर में अगर 1 महीने का हो गया है तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप उसको डीवॉर्मिंग करा दीजिए। 6 महीने तक आप उसके बॉडी वेट के अनुसार हर महीने उसको डीवॉर्मिंग ज़रूरी है, ये नीड है उसकी। क्योंकि वर्म्स ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हम कुछ खिलाते नहीं हैं, गंदा नहीं खिला रहे हैं, होंगे नहीं, ये तो वर्म्स हैं, इनके परमानेंट रहते ही हैं। आप जब कोई पपीज़ है तो उसको हर महीने 6 महीने तक आपको वो डीवॉर्मिंग बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देनी है। जब पपी आपका 6 महीने का हो जाता है तो उसके बाद हर 3rd महीने वो डीवॉर्मिंग बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देनी रहती। उसके बाद ये जो वैक्सीनेशन है जो मैंने अभी पहले बताया आपको कि 5 वैक्सीन, 2 रेबीज़ और 3 जो बीमारी वाले रहते हैं 11-in-1 या 9-in-1, वो एनुअली रिपीट होते हैं। 1 रेबीज़ और 1 बीमारी, ये एनुअल चलते हैं। फिर जितना एनिमल जब तक जिएगा जब तक वो हर साल के साल वो रिपीट होता रहेगा, ये वैक्सीनेशन शुरू। डॉक्टर साहब, जैसे लोग अपने घर पर पेट एनिमल पालते हैं, जैसे डॉग्स पालते हैं, तो प्राय देखा जाता है कुछ लोग उन्हें घुमा नहीं पाते हैं या फिर वो मार्बल के फर्श पर या टाइल्स पर रहते हैं तो उनके पैर टेढ़े होने लगते हैं, उसके लिए आप ये क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? देखिए सर, उसमें क्या है कि कभी कभी क्या रहता है कि अगर हमारा फर्श जो बहुत चिकना रहता है, घरों में ज़्यादा टाइल्स हैं, उसके कारण भी अगर नाखून बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो टेढ़े पड़ने लगते हैं। उसमें क्या रहता है कि कैल्शियम और फास्फोरस की डिफिशियंसी आ जाती है, जिसे हम रिकेट्स भी बोल देते हैं, तो उसके कारण भी वो टेढ़े पड़ने लगते हैं। लेकिन अगर हम शुरू से ही उसको थोड़ा कच्चा में भी घुमाएंगे, और मॉर्निंग इवनिंग वॉक बहुत ज़रूरी है डॉग्स की, हर समय आप अपने घर में बांध के नहीं रख सकते। अगर आप बांध के रखेंगे या घर पे ही फर्श पे रहेगा तो वो दिक्कतें आ सकती हैं। उसमें क्या है, एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है हिप डिस्प्लेसिया। बॉडी वेट अगर आपका एनिमल अगर बड़ा हो गया है, डॉग बड़ा हो गया है और वेट उसका हैवी हो रहा है, आप घुमाने नहीं ले जा रहे हैं, तो उसकी कंडीशन ये है कि स्पेशली लेब्रा, इन लेब्रा में हिप डिस्प्लेसिया की कंडीशन बहुत जाती है, जो हिप बोन रहती हैं पैगविल गर्डिकल के पास, तो वो जो चीज़ है वो गैपिंग आ जाता है उसमें, फिर वो चलने में बहुत ही दिक्कत करते हैं, तो उस चीज़ से भी हमें बच के रहना चाहिए। तो उसमें ये है कि आपको शुरू से ही उसका कैल्शियम का सिरप टॉनिक आते हैं, ठीक है, फास्फोरस के टॉनिक आते हैं, तो वो मेंटेन करना है। लेकिन उसके नाखून हर महीने के महीने आप चेक करते रहें, ज़्यादा बड़े ना हो पाए, ताकि वो आसानी से चल सके। डॉक्टर साहब, एक नई चीज चली है, यूँ तो लोगों को मैं आप देखते हैं कि सब लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, सब लोग अपने हेयर स्टाइलिश रखना चाहते हैं या अच्छे वेल ड्रेस्ड होना चाहते हैं। इसी तरीके से लोगों के अंदर एक नया क्रेज आया है कि उनके डॉगी भी जो है उनके बाल भी थोड़े से मॉडर्न कट में कटे हुए हों, थोड़े से सुंदर लगे हैं, या इस तरीके से डॉग सैलून से संबंधित जो सुविधाएँ हैं वो अपने यहाँ हैं इस समय? बिल्कुल सर, बिल्कुल सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा जो पेट पार्लर बना हुआ है सर, पूरा ग्रूमिंग के साथ, जैसी क्लाइंट को पिक दिखा देते हैं, जैसे शिज़ू आते हैं उनकी कटिंग अगर आप करते हैं तो वो एक्स्ट्रा डॉल की तरह हो जाता है, गुड्डे की तरह, पूरी कटिंग जैसे क्लाइंट चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम क्लाइंट को फोटो दिखा देते हैं, तो जैसी वो कटिंग चाहते हैं वैसे हम लोग कटिंग, यानी पार्टी में अगर कोई बिल्कुल उसको ले जाना चाहता है, बिल्कुल छुट्टियां वुट्टियां बना के देते हैं। हां बिल्कुल सर, उसका डॉग भी थोड़ा सा अलग सा दिखेगा। जी जी बिल्कुल, यदि वो यहां ले आता सैलून में आपके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी आपने डॉग्स के बारे में दी, पेट एनिमल के बारे में दी, कैट्स के बारे में दी, और ये जानकारियां लोगों में साझा हो रही है, इससे अवेयरनेस होगी और लोगों की जानकारी में यह भी आएगा कि मुरादाबाद के अंदर भी
जी जी बिल्कुल, ऐसा क्लिनिक है जहाँ ओटीपी है, जी जी बिल्कुल, क्रिटिकल ऑपरेशंस भी किए जाते हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल, उसके साथ साथ डॉग पालतू जानवर भी खूबसूरती बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद, थैंक यू सर।